नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंत्रिमंडल बैठक, चीन सीमा के नजदीक लोगों को बसाने के लिए दी जाएगी नौ तोड़ भूमि, 250 पर भरेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला स्थित सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में 47 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि चीन शासित भारत तिब्बत सीमा के नजदीक लोगों को बसाने के लिए प्रदेश सरकार नौ तोड़ जमीन देने की योजना बहाल करेगी। सीमा से सटे लोगों का निचले क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने की दिशा में ये बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला, नगर परिषदों व नगर पंचायतों समेत विभिन्न संस्थानों में 250 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया कि प्रदेश सरकार एक छोटा हेलीकॉप्टर लीज पर लेगी। इसके लिए टेंडर केवल एक ही कंपनी ने लगाया है। पिछले करीब दो महीनों से सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू सड़क मार्ग से दौरे कर रहे हैं। वे भारी बारिश से हुई प्राकृतिक आपदा के समय एयरफोर्स या हरियाणा सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। जनजातीय क्षेत्रों में नौ तोड़ जमीन आवंटन की छूट बस 2014 से 2018 के बीच दी गई थी। ये 2018 में ही बंद कर दी गई थी। अब हिमाचल प्रदेश नौ तोड़ नियम 1968 को दो वर्षों के लिए क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्यपाल से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर इस अधिनियम को निलंबित करें। जनजातीय क्षेत्रों में जमीन उन लोगों को दी जाती है जिनके पास 20 बीघा से कम भूमि है। मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के दृष्टिगत राजस्व विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी मेडिसिन विभाग को कार्यशील करने तथा रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। इसमें संबंधित सभी 6 विभागों न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी में 3 चरणों में 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के धर्मपुर एवं पद्र में नए स्थापित सिविल कोर्ट तथा नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पौंटा साहिब और रोहडू में नव स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद सृजित करने तथा पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप जिला न्यायवादी के 7 पद सृजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित कर उन्हें भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का समुचित रिकॉर्ड तैयार करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर का रख रखाव नियम 2023 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 बस 2016 एवं 2017 में संशोधित पर भी एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। जल विद्युत परियोजनाओं को लीज प्रदान करने के मुद्दे का समग्र रूप से परीक्षण करने तथा इनसे लीज जाने वाली पट्टे की राशि के बारे में संस्तुति का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं के लिए लीज जाने वाली राशि के युक्तिकरण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। इससे तीखी ढलानों में भूक्षरण पर भी रोक लगेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। ये भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का 7 वर्षों तक रख रखाव सुनिश्चित किया जाएगा और पौधरोपण तथा रख रखाव का ये कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा जिसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 एवं 2016 एवं 2017 पर भी एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। जल विद्युत परियोजनाओं को लीज प्रदान करने के मुद्दे का समग्र रूप से परीक्षण करने और इनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया है।
अमिताभ अवस्थी हिमाचल वाटर शेष आयोग के अध्यक्ष 3 सदस्य नियुक्त, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर वाटर शेष लगाने के लिए गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना जारी होगी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी वाटर शेष आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति के बाद इस पद का कार्यभार संभालेंगे। आयोग में HM दुरेटा, अरुण शर्मा व जोगिंदर सिंह सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का सेवाकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए होगा। इस संबंध में जल शक्ति विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाटर शेष आयोग जल उपकर से संबंधित तमाम अपीलों की सुनवाई करेगा। आयोग हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 के अनुसार काम करेगा। राज्य सरकार ने पहले ही हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम 2023 में अधिसूचित कर दी है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हिमाचल प्रदेश ने ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फिर से अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न श्रेणियों में राज्य की ओर से की गई अनुकरणीय पहल के लिए ये पुरस्कार मिले हैं। इन पुरस्कार में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक शामिल है। 5 अगस्त को गोवा में पुरस्कार समारोह में ये पदक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त कर डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग के प्रयासों की सराहना की है। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल उत्कृष्टता की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। प्रदेश में ई कॉमर्स वेबसाइटों के डिजाइन, विकास, रख रखाव, होस्टिंग, DNS पंजीकरण और प्रबंधन पर व्यापक परामर्श के लिए राज्य की पहल पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भगवान को अपमानित करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान को अपमानित करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने प्रार्थी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करने से समाज को गलत संदेश जाएगा। ऊना जिले के महतपुर पुलिस थाने में डॉक्टर नदीम अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत मामला दर्ज है। आरोप लगाया गया कि डॉक्टर ने शिवलिंग और नंदी भगवान को सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानित किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि कथित आरोपी ने दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने की दृष्टि से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया। पुलिस की ओर से इस मामले में जमानत देने की सूरत में अनेक शंकाओं का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था। भाजपा समर्थित बिमला देवी बनी बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष, पर्ची से हुआ फैसला। भाजपा समर्थित बिमला देवी बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। इनमें कांग्रेस की सालू और भाजपा की बिमला को साथ साथ वोट मिले। इसके बाद पर्ची सिस्टम से फैसला हुआ। केशमत से जिला परिषद बिलासपुर अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा है। सेब सीजन HPMC ने शुरू की सेब खरीद, पहली बार बागवानों को 24 घंटे में होगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड HPMC ने मंगलवार से प्राला फल मंडी में सेब खरीद शुरू कर दी है। कोटखाई के कोटी निवासी बागवान अमित चौहान के रेड गोल्डन सेब की 63 पेटियां HPMC के ऑक्शन यार्ड पर 45 रुपए प्रति किलो के रेट पर बिकी। कार्टन के वजन के एवज में 2 किलो की काट भी नहीं हुई। HPMC ने 24 घंटों के भीतर बागवान को सेब की पेमेंट उसके खाते में भेजने का दावा किया है। सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीद की तरह ही HPMC सेब खरीद की पेमेंट भी करेगा। इससे पहले मंडियों में बागवानों को उपज की कीमत 2 से 3 महीने बाद मिलती थी। कई बार सालों तक इंतजार करना पड़ता था। मुकेश अग्निहोत्री बोले, केंद्र को मंजूरी के लिए भेजे गए 452.60 करोड़ रुपए की योजनाओं के प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 452.60 करोड़ रुपए की 45 योजनाएं स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजी है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन योजनाओं से कुल 976 अन्य योजनाओं को लाभ मिलेगा। इससे भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी जल शक्ति विभाग की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में साल के 12 महीने पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक तकनीक की मदद से एंटी फ्रीज योजनाएं तैयार की जाएगी। इन योजनाओं से 0 से नीचे तापमान गिरने पर भी
पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए कमेटी की ओर से 34.2 करोड़ रुपए की 4 पायलट स्कीमें बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। हिमाचल हाईकोर्ट अनुबंध चिकित्सकों को 150% ग्रेड पे देने के मामले में जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश के अनुबंध चिकित्सकों को 150% ग्रेड पे देने के मामले में महाधिवक्ता कार्यालय ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव के ध्यान में लाया गया है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के समक्ष अनुबंध चिकित्सकों को 150% ग्रेड पे देने का मामला लंबित है। 17 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिए थे। डॉक्टर आरओसी चौधरी ने हाईकोर्ट के समक्ष 150% ग्रेड पे देने की गुहार लगाई है। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता को अनुबंध के आधार पर तैनात किया गया है। उसे प्रतिमाह 26,250 रुपए का वेतन दिया जाता है, जबकि समानांतर चिकित्सकों को प्रतिमाह 34,350 रुपए का वेतन दिया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 150% ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने 150% ग्रेड पे अदा करने के बाद वेतन विसंगति को दूर कर दिया है। स्पष्टीकरण के लिए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था, जिसके आधार पर महाधिवक्ता कार्यालय ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर वेतन विसंगति दूर करने का आग्रह किया है। अंदर कैबिनेट बैठक, बाहर चलता रहा सचिवालय कर्मचारियों का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मंगलवार को भीतर कैबिनेट की बैठक चलती रही, जबकि बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन चलता रहा। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने अन्य विभागों, बोर्ड और निगम से सेगमेंट आधार लाने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सचिवालय के प्रांगण में कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पहले की तरह ही रखे जाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र बोवी ने कहा कि इस मामले में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की थी। सीएम ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन संबंधी फाइल आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने राजनीतिक लोगों को सचिवालय में बैकडोर एंट्री देने की कोशिश की तो कर्मचारी पैन डाउन स्ट्राइक कर आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि लिपिक कर्मचारियों के आरएनपी रोल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। वेदर अपडेट, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 उपमंडलों में 28 जुलाई तक स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 31 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। वहीं सोमवार रात को धर्मशाला में 80.2, पालमपुर 50.6 और जोगिंद्रनगर में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राज्य में अभी भी 500 से अधिक सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ी है। इसके अलावा सैकड़ों जलापूर्ति योजनाएं व बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शिमला जिले के 7 उपमंडलों में 28 जुलाई तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इनमें रामपुर, बुसेर, डोडरकवार, जुब्बल, कोटखाई, चौपाल, रोहड़ू व ट्योग उपमंडल के स्कूल शामिल है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।